छात्र एकता जिंदाबाद, 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 एसटीटी ऑल क्वालिफाइड जिंदाबाद, 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 एसटीटी ऑल क्वालिफाइड जिंदाबाद, 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 आवाज दो, अरे आवाज दो, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, छात्र एकता जिंदाबाद, अरे इनकलाब बोलो, इनकलाब, 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 स्टेट 19 जिंदाबाद। लाठियां बरसाई गई, सारा शरीर टूट गया, इतना इतना हम लोग को बेदर्दी से पीटा गया, और पहली कतार में पहली कलम से नौकरी देंगे। और हम लोगों को इनसे बहुत उम्मीद है कि वो हमेशा हमारे आंदोलन में आके हमारे मूवमेंट को सपोर्ट करते थे। नमस्कार, बिहारी प्रतिभा देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ प्रतिभा सिंह। हमारे साथ स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी है जो लगातार अपने मांगों को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन ये जो गूंगी और बहरी सरकार है उसको आज तक कुछ असर नहीं पड़ा है। आज क्या रणनीति बना रहे हैं, आइए इन लोग से बात करके जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं यहाँ पे बैठ के? जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपके चैनल को और बिहार के तमाम स्टेट 19 अभ्यर्थियों को दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। और आज हम लोग का सम्मानित जो होता है तेजस्वी यादव जी के पास हम लोग जा रहे हैं, और उन्होंने बार बार जो जिक्र किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो पहली कतार में एस्टेट 19 अभ्यर्थियों को नौकरी देंगे, क्योंकि वो पहले से रोड पर है और पहले से आंदोलन कर रहे हैं। तो वे उनकी सरकार बनी है, उनको एक बार याद दिलाने के लिए, हम लोग सम्मानित करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। सारे अभ्यर्थी मौजूद हैं यहाँ पे, सैकड़ों अभ्यर्थी बैठे हुए हैं अभी इको पार्क के पास, और 2:30 बजे के आसपास उनके पास हम लोग जाएंगे और अपनी मांग को रखेंगे। यहाँ पे पूरे बिहार के स्टेट 19 अभ्यर्थी पहुँचे हुए हैं यही मांग के लेकर के कि सर हम लोग 1.5 साल से लाठी डंडा खा रहे हैं और 4 साल से इसके संघर्ष 4 साल से ऐसे कर रहे हैं, लेकिन 1.5-2 साल से लाठी डंडा इतना ज़्यादा खा रहे हैं। आपने भी कई बार देखे होंगे कि दर्जनों बार हवालातों की हवा खाएं, हवालातों की हवा दर्जनों बार खाएं, लाठियां बरसाई गई, सारा शरीर टूट गया, इतना इतना हम लोग को बेदर्दी से पीटा गया। और उनका आश्वासन था कि हम लोगों की नौकरी जैसी उनकी सरकार बनेगी पहली कतार में पहली कलम से नौकरी देंगे। तो इसीलिए उनसे निवेदन है कि हम लोग वो कलम एक कलम के रूप में देने जा रहे हैं, उनको सम्मानित करेंगे कि ये कलम सर याद दिलाने जा रहे हैं कि यही वो कलम है, कलम कलम यही कलम देने जा रहे हैं कि यही कलम से प्लीज़ सर निवेदन हम लोगों को दीजिए, यही कलम से हम लोगों को। और नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, एक सेकंड, कि आप लोग शायद आपकी सरकार के बीच तालमेल नहीं बैठ रहा होगा, इसलिए हम लोग को नौकरी देने में आपको बाधा आ रही थी, लेकिन अब तो तालमेल वाली सरकार है, दोनों तालमेल मिल के अब तो माननीय प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित होने वाले हैं, इसलिए हम लोग को स्टेट 19 अभ्यर्थियों की नौकरी दे करके हम लोग को इज्जत और लाज बचा लीजिए। अनिल जी क्या कहेंगे, कितना विश्वास है, अभी महागठबंधन का सरकार बन गया है, आपके आंदोलन में कई विपक्षी नेता जाते थे, अभी महागठबंधन का सरकार बन गया है, आज आप लोग तेजस्वी यादव से मिलने भी जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार? मैम पहले अगर हम लोगों को कोई समस्या होता था तो हम लोग विपक्ष के पास जाते थे और उस समय नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे माननीय श्री तेजस्वी यादव जी, अभी उप मुख्यमंत्री हैं। जब हम जाया करते थे उनके पास तो कहते थे कि महोदय या तो हमारी बहाली का प्रावधान करवा दीजिए या तो फिर आत्मदाह का इजाज़त दिलवा दीजिए, और तब वो भावुक होकर के नेता प्रतिपक्ष उस समय के जो अभी उप मुख्यमंत्री महोदय कहा करते थे कि हमारी सरकार जो बहादुर होते हैं ना वो मरते नहीं हैं, लड़ते हैं, लड़ो संघर्ष करो, जब सरकार आएगी तो हम काम करेंगे, चिंता मत करो, ये हमें नेता प्रतिपक्ष अक्सर कहा करते थे। आज उप मुख्यमंत्री महोदय हैं, आज मैं उनसे कहूँगा कि महोदय आपने कहा था, आप कहा करते थे, आज वक्त आया है, संपूर्ण बहाली कर दीजिए, यश की भागी बनिए और पूरे बिहार में आपका जय जयकार होगा, आप बिहार के नेता बनेंगे। जोरदार तालियां। सुशील जी आपको क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव से आप लोग मिलने जा रहे हैं, अगर आप लोगों की जो मांगे हैं उसको लेकर आप लोग मिलने जा रहे हैं, अगर निगेटिव अगर पॉजिटिव सोचा जाए, अगर नहीं सुनते हैं वो, तो इसका आगे का क्या रणनीति है आप लोगों का?
देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि जितने भी नेतागण हम लोग पूर्व में जितने भी नेतागण के पास गए हैं, हमेशा उन लोगों के थ्रू हम लोगों को ये सुनने को मिला है कि तुम लोगों को गवर्नमेंट दो पक्ष में डिवाइड कर दिया गया है, तुम लोग सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म पर आ गए और आ जाओ। और आज का ये दिन है कि हम लोग जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, चाहे वो मेरिट के कैंडिडेट हों या नॉट मेरिट के कैंडिडेट हों, एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं और हम लोग गवर्नमेंट से हमेशा एक ही डिमांड रखते हैं कि रिक्ति को बढ़ाइए, सब्जेक्ट वाइज, श्रेणी वाइज, कोटि वाइज रिक्ति को बढ़ाइए। और जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं जो 12 मार्च के 55 मिनट के 12 मार्च 2021 में 55 मिनट का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था कि जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं सबकी नौकरी पक्की है तो पक्की किया जाए। और तेजस्वी माननीय जो उप मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी यादव जी हैं, वो हमेशा बोले हैं कि कैबिनेट के मीटिंग में पहली कलम से हम 10 लाख रोजगार देंगे। तो 10 लाख हमें नहीं चाहिए महोदय, हमें जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं सबकी एक एक कैंडिडेट की नियुक्ति पक्की कर दीजिए। और हम लोगों को इनसे बहुत उम्मीद है कि वो हमेशा हमारे आंदोलन में आके हमारे मूवमेंट को सपोर्ट करते थे और हमेशा बोलते थे कि हम युवा हैं। अब हमारा उनका जो युवा का जो मोटिव होता है, जो उनका मैनिफेस्टो है, वही वो रोजगार के ही बेस पे था। तो हम लोग इनसे बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं और हमेशा इनका ये रहता था कि हम रोजगार देंगे, हम जब गवर्नमेंट में आएंगे रोजगार देंगे और रोजगार सृजित करेंगे। तो आज वो गवर्नमेंट में आ चुके हैं तो हमें उनको ये याद दिलाना है, पूर्व में कही हुई बातों को याद दिलाना है और हम लोग अपना तरीके से डिमांड रखेंगे कि हम लोगों का नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। चाहे वो डाटा जो कुछ भी है, हम लोगों को हर एक कैंडिडेट को नियुक्ति होना चाहिए और हम लोग पिछला 1.5-2 साल से हम लोग परेशान हैं। धन्यवाद मैम, आप भी आई है यहाँ पे, आप लोग स्कूल के जगह पे आप रोड पे बैठ गई हैं, बड़े बड़े वादा करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब हक का बात आता है तो आप लोग रोड पर बैठ के धरना प्रदर्शन का बात आ जाता है। जी, कहाँ तक उचित? एकदम उचित नहीं। हम महिलाएं जो है स्टेट क्वालिटी फाइट करने के बाद ये जो रोड पर बैठे हुए हैं, जो तेजस्वी सर हम लोगों को बोले थे कि आप लोगों को हम देंगे बहुत जल्दी, अगर मेरी सरकार बन जाएगी तो हम आप लोगों को जॉब पक्की कर देंगे। और हम लोगों का यही डिमांड है कि अब सर को हम लोग को 80,402 को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी। तेजस्वी यादव पर कितना भरोसा? बहुत भरोसा है और इस बार पार हो, बिल्कुल पार होना है। और उनसे हमारा, हम लोगों का सभी का एक रिक्वेस्ट है कि वो हम लोगों के को जल्द से जल्द हम लोगों का नोटिफिकेशन जारी करें और हम लोगों को नियुक्ति दे रोड के जगह आप लोग स्कूल पे। बिल्कुल जो रोड पर है स्कूल पे। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी थे और इन लोगों को महागठबंधन की सरकार बनी है और डिप्टी सीएम पर खास करके इन लोगों को ज़्यादा भरोसा है। इन लोगों को एकदम कंफर्म कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव पे हम लोगों को भरोसा है, क्योंकि वो आगे भी वादा कर चुके हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपके वादों को पूरा करेंगे। देखने वाली बात ये होती है कि लोगों की जो वादा है वो पूरा होता है कि नहीं होता है, तो आने वाला समय ही बताएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे बिहारी प्रतिभा। धन्यवाद।